Hi everyone, this is Poonam and you're most welcome to my channel. और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो चीज़ें शेयर करूँगी. फर्स्ट तो मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि हम लोगों ने लंच के लिए प्रिपेयर करी थी, और दूसरा रोज़ वाटर से रिलेटेड कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो सबसे पहले जो रेसिपी यहाँ पर हम लोगों ने बेसन के चिल्ले की सब्जी बनाई थी, तो एक्चुअली उसे हम यहाँ पे बैटर तैयार कर रहे हैं. तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बेसन लिया, इसमें थोड़ा सा हल्दी, सब्जी मसाला और नमक ऐड करके, हरी मिर्च ऐड करके इसे अच्छा सा एक घोल बना लिया था. बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है. और इसके बाद यहाँ पे गैस ऑन करके हम इसे पैन रख लेंगे. पैन में हम थोड़ा सा तेल लेंगे 2 से 3 चम्मच, ताकि ये जो हमारा बैटर है वो अच्छी तरीके से दोनों तरफ से फ्राई हो जाए. और इस घोल को जो तैयार करके हम लोगों ने रखा था, इसे हम इस तरह से फैला लेंगे और इसे राउंड शेप देंगे. और राउंड शेप देने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे. दोनों साइड से फ्राई करके इसे हम निकाल लेंगे, फिर हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे. तो ये बेसन का जो सब्जी है उसे काफ़ी लोग गट्टे की तरह बनाते हैं, और ये यहाँ पे हम लोग पीसेस में कट करके इस तरह से बनाते हैं. हालांकि गट्टे वाली सब्जी भी अच्छी लगती है, बट ये उससे कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है. तो यहाँ पे दोनों तरफ से टर्न कर लिया है, ये अच्छे से फ्राई हो गया है. अब इसे यहाँ पे पीसेस से कट कर लेंगे, और इस तरह से मैंने यहाँ पे कट कर लिया है इसको. और अब फिर से पैन में तेल लेंगे 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच तेल यहाँ पे लिया था. अब तेजपत्ता और जीरा डालेंगे. देन यहाँ पे कटे हुए प्याज मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के, उसे हम फ्राई करेंगे 3 मिनट तक. तो गैस की जो फ्लेम थी वो हाई थी, और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हमने जो अदरक घिस के रखा था कद्दूकस करके, उसे हम यहाँ पे डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे प्याज के साथ, और इसे फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे. देन जब हमारा ये अनियंस जो है ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, और ये जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, तब हम इसमें जो टमाटर की प्यूरी हमने तैयार करके रखी थी वो हम इसे ऐड कर देंगे. और टमाटर को अच्छी तरीके से चला लेंगे मिलाते हुए इसे, ताकि इसमें से जो टमाटर है वो गल जाए. देन यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं सब्जी मसाला, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर 2 से 3 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और इन सारे मसालों को चला के अच्छी तरीके से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे. इस टाइम गैस की जो फ्लेम थी वो मीडियम पे ही थी. देन अब हम यहाँ पे इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, और चिली पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, और इन सारे मसालों को फिर से एक बार अच्छी तरीके से चलाएंगे और मसाले को भून लेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक. इसे फ्राई होने देंगे हम जब तक ये थोड़ा सा तेल ना इसमें से निकले. देन यहाँ पे हम आलू ऐड कर देंगे. तो अब हमें आलू को अच्छी तरीके से मिला लेना है सब्जी के मसाले के साथ, और इसे फिर हम कवर कर देंगे ताकि आलू जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए. अब इसे थोड़ा सा कवर करेंगे, इसे बस ज़्यादा कवर नहीं करना है, 2 से 3 मिनट के लिए कवर करना है मीडियम फ्लेम पे. देन यहाँ पे हम इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे. इसमें हम पानी ऐड इसलिए कर रहे हैं ताकि सब्जी में भी एक अच्छा उबाल आ जाए, और आलू भी पक जाए, बॉयल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए. तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे कवर करके पका लेंगे, और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब हम इसमें जो हमने बेसन का बना के रखा था पीसेस में कट करके फ्राई करके, उससे हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद इसे थोड़ा सा चलाएंगे और फिर इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे. तो फिर से इसे कवर करके पकाएंगे. और अगर आप चाहें, अगर आपको इसकी सब्ज़ी ज़्यादा बनानी है, तो इसमें आपको पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा और आलू भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी बहुत सोखता है. तो फाइनली हम लोगों ने इसमें गरम मसाला डाल के इसे कवर कर दिया था 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, और उसके बाद हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है. तो इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, और हम लोगों ने इसी तरीके से सिंपली से बना लिया था. आप बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों की रेसिपी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो आज मैंने जो टॉपिक डिसाइड किया है आप लोगों के साथ डिस्कस करने का, वो है रोज़ वाटर के बारे में. जो गुलाब की पंखुड़ियों से तैयार होता है वो होता है रोज़ वाटर. इसका जो इस्तेमाल होता है वो हम लोग त्वचा के लिए करते हैं. बहुत तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे स्किन के लिए बहुत सारे फ़ायदे लेके आता है. ये त्वचा की सफाई करने के साथ साथ पीएच बैलेंस भी मेंटेन करता है, और त्वचा में निखार लाता है, और इसके साथ ही इसमें जो पिंपल्स की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व करता है, डार्क सर्कल, रिंकल्स आदि की समस्या से भी निजात दिलाता है. तो यहाँ पे आप ना इसका मॉइस्चराइज़र बना के भी रख सकते हैं. इसका मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए मैंने यहाँ पे
थोड़ा सा गुलाब जल लिया है, 1 से 3 चम्मच, और इसके साथ ही 1 चम्मच से कम मैंने थोड़ा सा ग्लिसरीन लिया है और 1 चम्मच से कम आधा चम्मच नारियल तेल। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ। आप इसको इस तरीके से बना के एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में या फिर किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं 1 हफ्ते तक। और इसे त्वचा को नमी प्रदान करने के लिए आप दिन में 2 से 3 बार इसे चेहरे पर लगा सकते हैं। और इस तरीके से मॉइस्चराइज़र बनाने से ना हमारी जो स्किन होती है वो बहुत तरोताज़ा फील करती है। और अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप थोड़े थोड़े टाइम पे इसे लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्किन टोनर का। अगर आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो गए हैं तो उसे साफ़ करने के लिए भी गुलाब के इस टोनर का आप यूज़ कर सकती हैं। एक्स्ट्रा ऑयल हो गया है स्किन पे तो उसे भी साफ़ करने के लिए परफेक्ट होता है। साथ ही टैनिंग को दूर करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकती हैं। आपको तुलसी की पत्तियाँ लेनी है, 10 या 20 तुलसी की पत्तियाँ ले लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए और गुलाब जल में इसे मिला के आप इसे एक बोतल में भर के रख सकती हैं। के साथ इस वीडियो में 2 चीज़ें शेयर करी हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है। बेल बटन को भी ऑन कर लीजिए, इससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजिली मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। तो मैं आप लोगों को बहुत जल्द मिलूंगी फिर से एक नए वीडियो पे। तो तब तक के लिए आप लोग बहुत ही अच्छे से रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए। बाय।